चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग MIQ सीरीज और लेके आए हैं फिर से अपना नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। और ये मॉड्यूल 3 का लास्ट लेक्चर, यानी कि मॉड्यूल 3 का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग मॉड्यूल 1 के 3 लेक्चर्स किए हुए, मॉड्यूल 2 के 3 लेक्चर्स किए हुए, मॉड्यूल 3 के भी हम लोगों के आज 3 लेक्चर्स हो जाएंगे। मॉड्यूल 3 पे हम लोगों ने एक टेस्ट ले लिया है, जो कि हर मॉड्यूल पे 2 टेस्ट लेना था हम लोगों को। तो दूसरा टेस्ट आज आपका आएगा, राइट। इसको कंप्लीट होते ही हमारा दूसरा टेस्ट आ जाएगा और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल 4, राइट। मॉड्यूल 4 में हम लोगों ने पूरा कैलकुलस रखा हुआ है, इंटीग्रल कैलकुलस एज वेल एज डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो मॉड्यूल 4 भी हम लोगों के 3 सेशन में चलेगा और मॉड्यूल 5 भी 3 सेशन में चलेगा। टोटल हमारी ये 15 क्लासेस होगी RBC के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, गुड इवनिंग सभी को भाई। साथ ही साथ जो हम लोगों का वन शॉट होने वाला था 12th को, जो कि हम लोगों ने डिसाइड किया था संडे को, और सैटरडे को कंप्यूटर डिसाइड किया था, उसको थोड़ा स्विच कर दिया गया है, ठीक है। और स्विच करके क्या किया गया है कि अब आपका पहले सैटरडे को होगा मैथ्स और संडे को होगा कंप्यूटर, ठीक है। बस थोड़ा बदल दिया गया है, कंप्यूटर संडे को होगा और मैथ्स सैटरडे को होगा। क्लियर है? चलिए भाई। और कल से AFT सीरीज स्टार्ट हो रही है, एक्मे फाइनल टेस्ट, जो कि हम लोगों का लास्ट जर्नी होगी। 15 टेस्ट होंगे 15 दिन के लिए, 25 तारीख से लेकर 8 तारीख तक लगातार डेली एक मॉक टेस्ट होगा, उसका एनालिसिस कराया जाएगा। तो वो आप AFT के लिए भी तैयार हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फटाफट आंसर लिखें, कमेंट करें, आंसर कमेंट करें। नहीं, VIT भोपाल में एडमिशन मत लो बेटा, है ना, महाराष्ट्र का बेट भले ही कर लो, VIT भोपाल सही नहीं है, राइट। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। VIT भोपाल सही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो VIT भोपाल के अलावा कोई भी कॉलेज लो, भोपाल भी अच्छा नहीं है। तो भाई बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो बहुत आसानी से आपको पता होगा, अगर पोजिशन वैक्टर किसी ट्रेंगल के दिए गए हैं बेटा, एक वैक्टर दिया गया है और पोजिशन वैक्टर आपको पता है, ए वैक्टर, बी वैक्टर और सी वैक्टर, तो आप जानते हैं एरिया कैसे निकलता है, याद है ना, 1/2 किन्हीं भी दो साइड्स का क्रॉस, राइट। तो आप दो साइड कौन कौन से लेंगे, B-C। भाई अगर इस साइड को लेंगे हम लोग, ABC लिख लेता हूँ मान लो बेटा मैं, और ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर एरिया देखा जाए तो क्या होता है बेटा, 1/2, आगे क्या होता है, दो साइड, यानी कि BC क्रॉस CA या AC, जो भी आप लेना चाहो, राइट बेटा, कम ऑन, ये हमारा एरिया होता है। तो अगर मैं BC की बात करूं तो क्या वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर C-B, और अगर मैं CA की बात करूं तो क्या बन जाएगा, A-C, दोनों का क्रॉस करना, तो ये डायरेक्ट आंसर आता है और इसको आप डायरेक्ट लर्न भी कर ले, राइट। तो ऑप्शन B विल बी द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है, एक बार बता दे सभी लोग, यस और नो, क्लियर है बच्चों, यस, B इज द राइट आंसर। सर 95.91% में कोई कॉलेज मिलेगा, ए कुमार, महाराष्ट्र का प्राइवेट ही मिलेगा, बहुत अच्छा कॉलेज तो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि 95% का मतलब है आपकी जो रैंक है अंडर 2000 में पहुंच गई है ना। चले आगे बढ़े, ये समझ आ गया सभी को, आगे देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, निमसेट में पूछा गया था, शायद आपको याद होगा, है ना, ये क्वेश्चन निमसेट में 2022 में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को काफ़ी बार हम लोग देख भी चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, राइट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर याद है, बोलो बच्चों, पैरेलल होता है, पैरेलल आंसर आएगा, कैसे करेंगे जल्दी बोलो, फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका, A.C बाहर वेक्टर B, पढ़े ना 1, 2, 3 का फॉर्मूला पढ़ाया था ना, दूर दूर ले लो फिर पास का ले लो, माइनस A.B बाहर = क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले दूर दूर पकड़ो, A.C बाहर माइनस पास का पकड़ लो, B.C बाहर, क्या कैंसिल हो जाएगा, A.C B कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर C जो होगा वो पैरेलल दिखेगा नहीं दिखेगा वेक्टर A के, ठीक है। तो एंगल किसके पीछे पूछा है, A और C के पीछे पूछा गया, तो राइट आंसर इज पैरेलल वेक्टर, ठीक है। बट जो क्वेश्चन आया था निमसेट 2020 में, उसमें इसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी, समझ लो, बट ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तभी क्या हो जाएंगे हमारे पैरेलल, अदरवाइज ये क्या हो सकते हैं हमारे जीरो वेक्टर भी बन सकते हैं, राइट। बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे ही था,
समझ में आ गया आंसर पैरेलल होगा। ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है, दोनों क्वेश्चन ढंग से पढ़ के रखिएगा आप लोग, ठीक है। काफी क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जितने भी MIQs में आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आप इनके आंसर्स अच्छे से करें, इसका करें। अगला क्वेश्चन लगाएं जल्दी से, काफी अच्छा है। करेंगे सभी लोग, एक यूनिट वेक्टर बताना है बेटा जो इन दोनों के तो प्लेन में है बट इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको ऑप्शन से किया जा सकता है इजिली, बोलो। और इसको डायरेक्ट में सिखाया था मैंने आपको तरीका, एक डायरेक्ट तरीका आता है, थ्री वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था मैंने। जैसे जो वेक्टर आर होता है वो क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस आगे बोलो बी क्रॉस सी। इसका मतलब ये जो वेक्टर आर होगा ये ए के परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के प्लेन में होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आर है वो ऑप्शन है, यस और नो? जो वेक्टर ये दोनों के प्लेन में, ये दोनों क्या है, बीसी वेक्टर कहलाएंगे और ये वेक्टर क्या कहलाएगा, ए। एंड आर आपको फाइंड आउट करना है। लैम्डा हम लोग अपने अकॉर्डिंग लगा लेंगे क्योंकि लैम्डा लगाया जाता है हमारे साथ, यूनिट बनाना तो लैम्डा हमारा एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। चलो बनाएंगे फटाफट करें, ए वेक्टर क्या हो जाएगा जल्दी बोलो बच्चों, फॉर्मूला बनाओ पहले, ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर बेटा सी। चलो ए का सी के साथ प्रोडक्ट करेंगे जल्दी बोलो बच्चों, कितना आएगा, टू प्लस थ्री प्लस टू, कितना, टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव है ना, फाइव वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी करो कितना आएगा जल्दी से, टू टू फोर वन फाइव, फाइव ही है, फाइव वेक्टर सी, फाइव बाहर ले लो। अब बी माइनस सी कर दो कितना आएगा जल्दी बताओ बच्चों, फाइव बाहर ले लो, बी माइनस सी करो, बी माइनस सी, बी कहाँ है हमारा, ये जे माइनस, तो जे माइनस के। अब हमें यूनिट बनाना है तो इसको पकड़ो सिर्फ इतने को, वेक्टर को कांस्टेंट छोड़ दो, मैंने बोला ना लैम्डा एडजस्ट कर लेता है, पहले इसको फाइव को काटेगा फिर रूट टू से डिवाइड करेगा, तो जे माइनस के बाई रूट टू, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, आ जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आएगा, ठीक है। जो लैम्डा साथ में चलता है ना वो एडजस्ट करके बना देगा आपको, जो चाहिए बना लेगा वो, ठीक है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मान लो लैम्डा लेके चलो तो लैम्डा क्या होना चाहिए बोलो, लैम्डा होना चाहिए ये, तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा फिर वो भाई, फाइव से फाइव में पड़ जाएगा और रूट टू, समझ गए ना। हमको क्या मिल गया, हमको एक लेंथ मिल गई कि फाइव लेंथ का इस डायरेक्शन में, बट हमें क्या बनाना है, यूनिट लेंथ, यूनिट वेक्टर, तो पहले तो फाइव हटाना पड़ेगा उसके बाद रूट टू से और डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया सभी का, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए ना किस तरीके से करते हैं बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, काफी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें सभी लोग। फटाफट आंसर करेंगे, एक वेक्टर बनाना है सी जो मैग्नीट्यूड है जिसका डायरेक्टेड कितना है, इतना है, बट बाइसेक्टर है इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर के बीच का बाइसेक्टर है, बहुत बनाए, जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया और बाइसेक्टर भी दिया गया है दोनों वेक्टर का बच्चों। कौन सा ऑप्शन है जल्दी रिप्लाई करें, डी आर है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे जल्दी बोलो, बताएं जल्दी से बच्चों, दो वेक्टर के बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा बीच का एंगल बाइसेक्टर, ये निकालना है आर वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो आर वेक्टर का फॉर्मूला कोई बच्चा बताएगा क्या होता है जल्दी बोलो, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए कैप लिख दूं या ए वेक्टर वाई मॉड ए कर दो है ना, जैसा भी है
प्लस में बी बाय मॉड बी, और बाहर बैठे बैठे के लगा देंगे लैम्डा। लैम्डा फिर से लगाओ ना लगाओ वही बात है, लैम्डा क्या होता है एडजस्ट करता है आपको, जैसे 5√6 चाहिए तो आपका 5√6 आ जाना चाहिए। तो आपको कुल मिला के इन दोनों वेक्टर को पहले का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ऐड कर देना है, तो क्या बन जाएगा, बना लिया, डी आ रहा है, क्या बनेगा बेटा जल्दी बोलो, 7i माइनस 4j माइनस डिवाइड कितना हो जाएगा 49 और 16 कितना हो जाएगा 81 हो रहा है, तो 9 बन जाएगा, और प्लस लगा दो इधर वाले का, लिखो क्या लिखोगे बेटा, माइनस 2i माइनस 2j अपॉन में 3 आ रहा है, तो इसका मैं इसको ले लेते हैं हम लोग ओवरऑल, है ना, फिर लैम्डा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक, चलो बताओ क्या आ रहा है ये बेटा वेक्टर आर, यहाँ लैम्डा चल ले दो, कितना बन जाएगा ये 7 आए, चलो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस भी करते जाओ 3 करेंगे ना, आई बचेगा, आई बचेगा बोलो, आई है ना, तो 2i वाली तो बात ही खत्म हो गई है ना, डायरेक्ट कैंसिल करते जाओ, यहाँ माइनस 4 है और यहाँ पे बेटा माइनस का 3, तो माइनस 7 तो बस खत्म हो गया ऑप्शन, है ना, तो डायरेक्ट आप आंसर मार सकते हो माइनस 7j हो गया। अब के भी कर लो, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 6, माइनस 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, देखो माइनस 4 और प्लस 6 सॉरी कितना हो जाएगा प्लस 2 के कैप अपॉन में कितना है 9। अब ये लैम्डा अपने एडजस्ट कर लेगा, वो बना लेगा उसको, ये डायरेक्शन बनाना है बना लेगा, आपको वेक्टर मिल गया ना डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड बना देगा, वैसे तो किसी की डायरेक्शन है ही नहीं सेम, तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या बना रहा है मैग्नीट्यूड, ये क्यों दिया गया ताकि मैग्नीट्यूड बन जाए कितना, समझ में आ गया, क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर भाई सेक्टर का आता है तो, भाई बिल्कुल सेम पैटर्न में बना के आएंगे आप लोग, यस और नो। चलो तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे मैंने लिए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल डिजिट बदल के ही आएगा, इतना गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको करें, वेक्टर दिया गया है, बी बताना है जो कोलिनियर है, बहुत आसान है, फटाफट आंसर करेंगे, कल से AFT स्टार्ट कर रहे हैं, एक में फाइनल टेस्ट, तो बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट दीजिए सभी लोग 9 बजे, ठीक है, प्रॉपर टेस्ट दीजिए 9 बजे बेटा, चले बन गया, देखते क्या बोला गया है, बोला गया ये वेक्टर है और बी के साथ कोलिनियर है, तो बी क्या होगा, तो इसके साथ कोलिनियर है ना, तो ये तो नहीं होगा, कोलिनियर होने के लिए आप जानते हो ना ए वेक्टर क्या होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स ये कंसेप्ट होनी चाहिए, तो जो हमारा रेशियो होगा दोनों के जो आईजे के का, वो क्या होगा सेम होगा, तो यहां पर आईजे के रेशियो क्या है 2, 3 और 6, तो 2, 3, 6 किसमें मिल रहा है, इसमें इसमें और इसमें, यहाँ तक क्लियर है। साथ ही साथ क्या बोला गया है, जो बी का मॉड है वो 21 है, तो मॉड चेक कर लेते हैं, इसका कितना होगा देखो 36, 9, 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं है, इसका 7 × 3, 21, इसका तो ज़्यादा हो जाएगा, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, बोलो बी ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लिया आपने, क्लियर है, नए प्रकार का क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा सभी को आई थिंक, आसान एकदम। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करें जल्दी सभी लोग, बहुत आसान होता है बेटा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट याद रखें आप इस क्वेश्चन को, क्या आंसर होता है 0 वेक्टर, कैसे करते हैं समझो, एक ट्रेंगल दिया है, एक ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बी का और सी का बेटा, और सेंट्रोइड दिया हुआ है इनका जी, वो कितना है जी दिया हुआ है ना सेंट्रोइड, तो आप समझ गए हो कि सेंट्रोइड का अगर पोजीशन वेक्टर निकालूं तो सेंट्रोइड का जो पोजीशन वेक्टर आने वाला है, पोजीशन वेक्टर राइट, पीवी ऑफ सेंट्रोइड दैट विल बी द बाई, अब आपको चाहिए क्या जी ए, फिर जी बी, फिर तो अगर मैं इसकी बात करूं जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी
तो जी ए क्या होने वाला है, जी ए, जी ए तो ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, इसका पोजिशनल वेक्टर माइनस इसका पोजिशनल वेक्टर। अगला क्या हो जाएगा, बी माइनस, समझ गए ना बात को, प्लस क्या हो जाएगा, सी माइनस, क्लियर है बच्चों? तो फाइनली सॉल्व करो क्या आ जाएगा, जीरो। भाई क्यों, थ्री यहां पे जाएगा माइनस एंट्री मारेगा, समझ गए हो गए ना, तो टू ए प्लस टू ए, टू ए माइनस बी माइनस सी आएगा फिर अगला, यहां पे माइनस बी और मिल जाएगा, यहां पे माइनस बी और मिल जाएगा, तो माइनस टू भी हो जाएगा और यहां प्लस टू भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे माइनस टू सी प्लस टू सी कैंसिल हो जाएगा, राइट, सब कैंसिल हो गया, आंसर जीरो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस प्रॉब्लम को, एग्जाम में मिलेगा तो सभी लोग बना देंगे भाई साहब, है ना, बोलते जाओ एक बार और एक बार जरा बता दें, एक बार इसको बनाएं सभी लोग, बताएं कितने बच्चों को ट्वेल्थ का मैथ्स का रिवीजन भी चाहिए और 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ कितने बच्चे ट्वेल्थ के लिए 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं, ट्वेल्थ का वन शॉट कराया जाए, बोले तैयार है भाई सभी लोग, चलो अच्छी बात है फिर तो। तो भाई संडे को, सैटरडे को होने वाली है ना, फटाफट आंसर देंगे, आ गया, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, एक यूनिट वेक्टर बताना है जो इसके पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बहुत बढ़िया, पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान से देखें बेटा। तो पहले तीनों को निकालें, क्या हो जाएगा जरा बताएं, टू और वन थ्री, थ्री में से फाइव गया माइनस टू आई, बोलो बोलो, वन और माइनस वन जीरो, जीरो माइनस माइनस जे, अगला बोलो माइनस वन और जीरो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू के, ये वेक्टर बन जाएगा, बट ये वेक्टर किस में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, ये सेम डायरेक्शन में होगा। अब पहले डायरेक्शन को क्या बनाना है, अपोजिट बनाना है बच्चों, डायरेक्शन क्या बनाना है, अपोजिट, तो नेगेटिव लगा दो, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, टू आई माइनस जे प्लस टू के, और साथ में क्या बनाना है बच्चों, यूनिटी बनाना ना इसको, तो कितना हो जाएगा, फोर फोर एट वन थ्री नाइन, तो वन बाई थ्री प्लस माइनस दोनों रहेगा, नहीं 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 सॉरी, वन बाई थ्री रहेगा ना केवल, कौन सा आंसर आ जाएगा, जल्दी बोले, नहीं है, नन ऑफ दिस, ए ए ए ए ए है ना, ठीक, समझ में आ गया, बोलते जाए सभी लोग, क्लियर है, ये सब पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में मिल जाता है आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पे देख लिया करिए, टेलीग्राम पे डाल देते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ, हो जाएगा ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो और यूनिट लेंथ का, वो कितने होंगे, बोले, कभी भी आपसे कोई कहे, ये मान के चलो बेटा ये हमारा एक प्लेन है, फॉर एग्जाम्पल इस प्लेन में दो वेक्टर पड़े हुए हैं, अब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, दैट मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर जा सकते हैं, दो, एक और दो, तो राइट आंसर इज टू, समझ गए ना, तो इसमें करने की जरूरत है क्या कुछ, सीधा टू बोल दोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब क्या ही जवाब दिया, इसको बनाए,
लीनियर कॉम्बिनेशन, बहुत सारे बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा है, छोड़ देते हैं, इसको कर ले क्योंकि एग्जाम में आ सकता है इस बार। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स एग्जाम में आ सकता है, सॉल्व कर ले थोड़ा। करें ट्राई सभी लोग एक बार। हाँ बेटा, हेलो हेलो, हाँ बेटा बोले, गुड इवनिंग। हाँ मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ ना, ठीक बेटा, वेलकम। जल्दी से ट्राई करें। आंसर आया? कुछ बच्चों को ऑप्शन ए आ रहा है, कुछ बच्चों को ऑप्शन डी आ रहा है। देखें, वेक्टर बोला गया है लीनियर कॉम्बिनेशन में है, किस किस के, इस वेक्टर के और इस वेक्टर के, राइट। तो कोई भी वेक्टर जब दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में होता है तो उसको कुछ हम ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी लैम्डा बी, राइट। तो क्या बन जाएगा जरा बताएं, ए मतलब क्या आ जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस 5k, बहुत बढ़िया, प्लस कुछ भी लिखते हैं, एक ही आता है, प्लस लैम्डा टाइम्स क्या आएगा, 6i माइनस 7j माइनस, राइट ना बच्चों, कितना हो जाएगा कोई बच्चा बताएगा, 3 प्लस 6 लैम्डा i, सही है ना। अगला बेटा, 7 लैम्डा j प्लस, आगे बोले माइनस k, एंड बोला गया है कि आल्सो गिवन, क्या गिवन है आल्सो, जल्दी बोलो, R इज परपेंडिकुलर टू विद दिस, राइट। सो R वेक्टर डॉट में किसके साथ, I प्लस जे माइनस के इज गिवन जीरो। सो करो बेटा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 लैम्डा प्लस 4 माइनस 7 लैम्डा माइनस 5 प्लस 0, कितना आ जाएगा बेटा, 2 बचेगा प्लस 2 लैम्डा, सही है ना, लैम्डा की वैल्यू -1 माइनस में रख दो, आंसर आ जाएगा, माइनस में रखो, माइनस 3i कैप, राइट, माइनस में रखो, प्लस 11 जे कैप, माइनस रख दो, प्लस 8, है कोई ऑप्शन ऐसा, 87 नहीं, 8 है ये बी ऑप्शन, 87 नहीं है, 8 है वो, है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, एक बार अप्लाई कर दे सभी लोग, माइनस 3i प्लस 11j और प्लस 8, ऑप्शन बी, क्लियर हुई बात, काफी अच्छे से क्लियर हुआ सभी को, अच्छे से बोलो, रिप्लाई करते जाएं या सुनो। एक बार अप्लाई कर दे सभी बच्चे, ओजस कुमार, बाकी लोग बोले सभी लोग, ठीक है ना बेटा, तो बिल्कुल तैयारी जोरों पे रखो भाई, एग्जाम आपके बिल्कुल बिल्कुल पास है, नजदीक है, मेहनत करो, ठीक है, जो प्रॉपर चीजें पढ़ाई गई हैं उन पे काम जरूर करो, ठीक। इस क्वेश्चन को करेंगे, एक्स और वाई यूनिट वेक्टर है और डॉट जीरो है तो क्या होगा बताएं, दो यूनिट वेक्टर जिनका डॉट जीरो है तो क्या हो सकता है उसके बाद, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग जल्दी से, आसान है कि नहीं है, क्या जाएगा, सी के बी कि डी,
भाई अगर दो वेक्टर का मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, है ना, तो क्या फॉर्मूला बनता है, कोई बच्चा बताएगा? ये बनता है कि नहीं बनता है, बोलो। इसकी वैल्यू यूनिट बोला है तो वन, यूनिट बोला है तो वन, और डॉट जीरो दिया तो टू बचेगा, तो मॉड क्या बचेगा, सिर्फ मॉड अगर निकाले तो रूट टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, रूट टू, किसकी, प्लस की। समझ गए ना, समझे सुखदीप? डी फॉर डॉन है ना, चलो भाई डी फॉर डॉन, डॉन डॉन डॉन, चलो अगला। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सॉरी, ट्राई करेंगे सभी लोग। अच्छे से बनाए, दिमाग लगा के सोच समझ के। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए एज ए कॉटोनमस इज 9, मतलब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए जिसकी साइड्स थी उसका वॉल्यूम कितना है बेटा, जिसका वॉल्यूम, जिसकी साइड्स ये थी, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है, बोलो, सी क्रॉस ए ना, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, बॉक्स ऑफ दिस इज 9, यस और नो? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हुज कोटेनमस एजेस दिस इज एज कोटेनमस एजेस इज 9, दैट मींस द बॉक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 9, इसके बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 9 है। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, अब मुझे इसका बताना है जिसका ये होगा, तो यार याद करो, थोड़ा ध्यान रखो थोड़ा, मतलब इसी को, इसी की साइड्स को क्या कर दिया गया, क्रॉस कर दिया गया ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो राइट आंसर इज 9 का स्क्वायर, तो नहीं, दैट मींस, अरे पढ़े हो ना फॉर्मूला भाई, जब मैंने आपको बताया था ए बी सी क्या होता है, जल्दी बोलो, अगर मान लो के है तो बेटा ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, के स्क्वायर पढ़ाया है बेटा आपको, तो आप बताएं इसको अगर मैं वेक्टर, एक वेक्टर मान लूं आर वन वेक्टर, क्या मान लूं इसको, वेक्टर मान लूं आर टू वेक्टर, और इसको वेक्टर मान लूं आर थ्री वेक्टर, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बॉक्स ऑफ क्या पूछा, जल्दी बोलो, आर वन क्रॉस आर टू, आर टू क्रॉस, अच्छा क्वेश्चन है, और आर थ्री क्रॉस, समझ गए बात को, ये पूछा है ना, राइट आंसर इज 9 का स्क्वायर यानी कि 81। हाँ, इसकी जगह पे अगर क्वेश्चन बदल दे, मतलब थोड़ा बदल दे क्वेश्चन को अगली बार, और इसकी जगह पे ए बी सी दे दे, क्या दे दे, और ये दे दे 9, तो बेटा ये क्रॉस बनते टाइम हो जाएगा 9 क्रॉस, 9 का क्रॉस 81, और यहां हो जाएगा 81 का स्क्वायर, क्लियर है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो लॉजिक क्या होने वाला है, अगर ए बी सी बना देगा तो यहां पे 9 बन जाएगा, यहां पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं हुआ, जल्दी बोले, प्रथमेश बताएं सभी लोग जल्दी जल्दी, ऑनलाइन वाले बोलो क्लियर हो गया कि बताना है, ठंडा पानी लाओ यार, एक बार बता दे सभी लोग क्लियर है, सॉरी आगे बढ़ो, तो ये सारे वेक्टर के क्वेश्चन क्लियर हो गए, इसको बनाएं, ए वेक्टर दिया है, बी दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारा लैम्डा ए प्लस लैम्डा म्यू है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताएं, बहुत आसान है, करो, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, कल 12 बजे से हम लोग इंट्रीगल कैलकुलस की क्लास करेंगे और शाम को आरबीसी का मॉड्यूल 4 करेंगे, राइट,
सर फ्रिज का पानी मत पीजिए, बन शॉट। हाँ भाई ठंडा मत लाना यार, बन शॉट में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम तुम्हारे बन शॉट का। बच्चे हमारा ध्यान रख रहे हैं। चलो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बन गया ये। क्या किया सबसे पहले? अच्छा सी है हमारे पास, सी भी है, तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले हम लोग। इसको ओपन कर लेते हैं बच्चों, बोलो जल्दी से क्या हो जाएगा हमारा। ए डॉट सी बाहर बी माइनस बी डॉट सी और बाहर ए इक्वल टू। तो अगर कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी डॉट सी, यस और नो? और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए डॉट सी। बोलो जल्दी से, कंपेरिजन करें तो यही होगा। तो माइनस बी डॉट सी करो जरा, बी डॉट सी तो माइनस वन हो जाएगा, और ए डॉट सी करो माइनस तो वन हो जाएगा। तो क्या पूछा आपसे? लैम्डा प्लस म्यू यानी कि जीरो। सो काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, है ना? थोड़ा पैटर्न अलग है, बट आपने इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चन कब करते थे बेटा? जब एंगल निकालते थे बचपन में, बचपन में तो करते ही थे। वेक्टर का बचपन अपना आया था अक्टूबर, अक्टूबर के आसपास, है ना? सितंबर अक्टूबर में किए थे वेक्टर शायद, बताए सुखदेव। सुखदेव भाई 2 साल क्लास किया है, समझ लो। हाँ सुखदेव, गुड आंसर बताएं। द एरिया ऑफ ट्रेंगल बाउंडेड बाई द स्टेट लाइन्स, हो जाएगा? कह रहे इन स्टेट लाइन से बाउंडेड एरिया बताना है। ए प्लस बी बाउंडेड बाई स्टेट लाइन्स, स्टेट लाइन्स मोड लगाना पड़ेगा, मोड आएगा, सॉरी ये तो एक ही स्टेट लाइन थी, वो मोड लगाना पड़ेगा ब्रो, है ना? अब बन जाएगा तो क्या आंसर आता है पढ़े हो? सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, डायरेक्ट लिखाया हुआ है। इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, याद है ना? उल्टा है क्या? टू सी स्क्वायर बाई ए बी है ना? हाँ मिस्टेक है, एक लाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है क्या? अच्छा अच्छा सॉरी, मॉड नहीं, सही है क्वेश्चन, सही है, सॉरी क्वेश्चन सही है। एक्चुअली एक मॉड है और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, समझ गए ना? कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना और एक लाइन लेना है, लाइन, ये लाइन लेनी है, ठीक है? तो ये लाइन चारों जगह हो सकती है कहीं पे भी, या सुनो, तो मॉड लग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं इसको देखें तो क्या बनेगा? अगर इस जगह को देखें तो क्या आएगा? मॉड ए, नहीं मॉड ए बाई सी। अगर हम लोग बाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ बच्चों? मॉड सी बाई ए, मॉड सी बाई ए ना? और ये वाली मॉड, अरे देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है ना? अब मैं ये पॉइंट निकालने, मान लो ये तो पता है जीरो जीरो है, ये पॉइंट कैसे निकलेगा जल्दी बताओ? हम लोग इसमें क्या जो पुट करते हैं? जीरो बाई बाई जीरो होता है ना यहाँ पे, तो बी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस सी बाई ए, और कहने का तो यही होगा मॉड सी बाई ए। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लाइन कहीं भी जा सकती है चारों कोऑर्डिनेट में। ऐसे ही बच्चों अगर बाई को जीरो, इसको जीरो कर दे तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? मॉड सी बाई बी, तो मॉड सी बाई बी लिख दो यहाँ पे, है ना? ऐसे लिख दिया। अब आप जानते हो एरिया क्या हो जाएगा? वन बाई टू ये वाली डिस्टेंस, तो मॉड सी बाई ए, और ये वाली डिस्टेंस तो मॉड सी बाई बी। तो आप जानते हो मॉड सी स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको तो हम लोग डायरेक्ट हटा दे तो भी चलेगा ना, अपॉन में ए भी मॉड में आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो थोड़ा अलग हटके यहाँ मॉड क्यों लिया, समझ गए ना आप लोग केस बेटा? ए बी सी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी जा सकती है लाइन, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है। सो द राइट आंसर इज मॉड में वन बाई टू ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए बी। समझ गए ना? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस देखे नहीं हम लोग एक्चुअली। चलो इस क्वेश्चन करेंगे, ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है तो लैम्डा क्या होगा बताएं? इसका मतलब क्या हो गया? तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे, इसका मतलब स्लोप इक्वल टू कर दो उनकी, या फिर उनका डिटरमिनेंट बना के जीरो कर दो। फटाक से आंसर बताएं क्या होगा।
फटाफट आंसर करें क्या आएगा। लैम्डा का वैल्यू बताएं। क्या आ रहा है, माइनस सेवन आ रहा है? सभी का माइनस सेवन है बच्चों? यस, माइनस सेवन इज द राइट आंसर। बताना एक हो जाएगा, बहुत आसान है। डिटरमिनेंट ऐसे बनाएंगे, वन वन और वन, माइनस फाइव फाइव और वन, थर्टीन लैम्डा और वन इक्वल टू जीरो। वन लेंगे बेटा क्या आएगा, फाइव माइनस लैम्डा, माइनस वन लेंगे क्या आएगा बेटा, माइनस फाइव माइनस थर्टीन, और प्लस का वन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस फाइव लैम्डा माइनस, यस और नो? तो फाइव माइनस लैम्डा माइनस फाइव प्लस थर्टीन, मतलब कितना बन जाएगा ये, माइनस ट्वेंटी वन प्लस एट्टीन, माइनस फाइव लैम्डा और माइनस सिक्सटी फाइव इज्कवल टू जीरो। माइनस सिक्स लैम्डा इज्कवल टू कितना हो जाएगा, फोर्टी टू है ना, ट्वेंटी थ्री जाएगा तो फोर्टी टू, फोर्टी टू उधर हो जाएगा ना, पॉजिटिव ना, लैम्डा इज्कवल टू माइनस सेवन, माइनस सेवन इज द राइट आंसर। समझ गए ना, बहुत छोटा सा काम आपने क्या बनाया, तीनों के कोलिनियरिटी का कंडीशन लगा दिया, बिकॉज तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे। ये बात सभी को समझ आई कि नहीं आई, रिप्लाई करें यस और नो। बिल्कुल स्लोप से कर सकते हो, ए बी इक्वल टू बी सी से कर सकते हो, तीन केस होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उससे कर सकते हो। आप स्लोप बराबर, और एक तरीका और है, एक और तरीका बताएं, आप दो से जाने वाली लाइन निकाल लो फिर इसको सेटिस्फाई करा दो, तो भी एक निकल आएगा, एक और नया मेथड आ गया राइट। इन दो से जाने वाली लाइन निकाल दो, उस पर फिर उसको लाई करा दो, सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा मिल जाएगा। तो जैसे करना चाहो वैसे कर लो, है ना। इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे सब, ट्राई करेंगे, देखते कितने में हिम्मत है इस क्वेश्चन को बनाने की। जल्दी करें, फटाक से आंसर देखते हैं कितने बच्चों का आता है। डिटरमिनेंट भी बना सकते हो, कोलिनियरिटी कंडीशन पिछले क्वेश्चन में भी। कौन बना दिया, स्कैन कर रहे हो क्या? क्वेश्चन में पढ़ो पहले, एक क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस स्ट्रेट लाइन। अल्फा एंगल बना रहा है इस स्ट्रेट लाइन के साथ, तो बहुत इजी है, या तो आप अल्फा ही रहने दो या अल्फा को कुछ लेट कर लो, जो आपका मन करे। तो कुछ लेट करें या अल्फा ही रहने दें? लेट कर लूँ अल्फा को, तो अल्फा को लेट करना याद है ना, प्रो 45 इज द राइट, आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, अल्फा को 45 अगर ले लें राइट। 45 में क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। कोई बात नहीं, आपने कंसेप्ट तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ मैं, ठीक है। ये पीएसएल का कंसेप्ट शायद आपको याद होगा, एक लाइन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट क्या दिया गया है, ओरिजिन राइट, ओरिजिन से पास हो रही लाइन और किसी दूसरी लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा, और वो लाइन कौन सी है, वाई इक्वल टू या वाई इक्वल टू माइनस एक्स, यस और नो? याद है ये कंसेप्ट, याद आ रहा है, एक क्वेश्चन है तो दो लाइनें मिलेंगी हमें, ये बात क्लियर है सबकी राइट बच्चों? इसको क्वेश्चन को कई बार कराया हुआ है मैंने, सेम पैटर्न पे कराया हुआ है क्वेश्चन, शायद याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस बाय वन एक्स माइनस एक्स वन, तो ये होते हैं एक्स वन बाय वन, एक्स वन और बाय वन, ये होता है हमारा एंगल है ना, तो ये होता है वन माइनस प्लस, वन प्लस माइनस ना, नहीं सॉरी एम प्लस माइनस टेन अल्फा, सॉरी, यहाँ इसकी जो स्लोप होती है, इस लाइन की जो स्लोप होती है उसे क्या कहते हैं, एम, एम प्लस माइनस टेन अल्फा, ये अल्फा जो एंगल है, अपॉन में वन माइनस प्लस एम इंटू टेन अल्फा राइट। चलो रखते हैं फॉर्मूले में, तो जीरो जीरो रखो तो बेटा क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो से तो कोई लॉजिक ही नहीं है। आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ आपके, एम इसका क्या है, माइनस वन, एम इसका क्या है, तो माइनस वन प्लस माइनस, अब हमारे पास कोई अल्फा नहीं है तो टेन अल्फा ही रहेगा, अपॉन में माइनस वन माइनस प्लस
टेन अल्फा ही रहेगा। अच्छा ये पलट जाएगा, वो प्लस माइनस हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा बट उससे, है ना। अगर मान लो इसकी जगह माइनस वन रख, सही सही तो है, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा, वाई अपॉन एक्स, अगर ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस एक्टिवेट किया तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो। माइनस वन प्लस टेन अल्फा अपॉन में माइनस वन, यहाँ से सॉल्व करके एक लाइन निकालोगे, एम क्या है हमारा, अच्छा एम माइनस वन नीचे है ना, तो नीचे पलट जाएगा ना, तो नीचे पलट जाएगा क्योंकि एम माइनस वन है, सही बात है, मैं सोच रहा था। दोनों प्लस आएंगे पहली बार में तो दोनों कट जाएगा वन, पक्का ना। तो वाई इक्वल टू एक्स हो गई एक लाइन हमारी, दिस इज द लाइन वन। और अगर ऊपर का नेगेटिव लेते हो नीचे का पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ऊपर वाले का नेगेटिव लेते हैं नीचे का पॉजिटिव, तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेम आएगा, कुछ कपड़ हो गया, माइनस वन प्लस माइनस टेन अल्फा, तो यहाँ पे माइनस वन नहीं है, यहाँ पे वन ही रहेगा ना, ये गड़बड़ हुआ है, समझ गए। यहाँ पे फॉर्मूले में वन है ना कि माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये फॉर्मूला है एक्चुअली वन, दिस इज द वन, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन इंटू, समझ गए ना, एम प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस प्लस एम इंटू टेन अल्फा। तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर का प्लस लो तो माइनस वन प्लस टेन अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, वन माइनस टेन अल्फा, समझ गए। और अगर हम लोग ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, ऊपर का माइनस नीचे का प्लस लेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, माइनस वन माइनस टेन अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, वन ऊपर का, ये हमने क्या किया है, कोई बात नहीं, यहाँ लिखा जाएगा माइनस प्लस, है ना। तो ऊपर का प्लस लिया था नीचे का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर का माइनस लिया नीचे का क्या लेंगे, प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, राइट ना। तो यहाँ से दोनों लाइनें लेके मिलेंगी, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, सो इट इज़ बेटर कि हम लोग क्या मान लें, इसको अल्फ़ा ही मान लें, राइट, बोलो। अल्फ़ा को अगर टेन अल्फ़ा मान लेंगे तो एक हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, या सॉल्व करो फिर आप इसको, रेशनलाइजेशन करिएगा आप इसकी, सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस बन जाएगा, फिर आप रेशनलाइजेशन करने पड़ेंगे आपको, सो इट इज़ बेटर कि आप कोई एंगल मान के चलें। आंसर देख लेता हूँ मैं क्या है, ऑप्शन ए आंसर दिया है, तो इट इज़ बेटर कि आप कुछ वैल्यू लेट करके ही सॉल्व करें, ठीक है। अब आप देख लीजिए नॉर्मल बनाएंगे कैसे करते हैं, देखो यहाँ तक हो गया, अब हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर भेज देंगे एक्स को, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा माइनस वन क्या आएगा बेटा बताओ, टेन अल्फा माइनस वन अपॉन में क्या आएगा, टेन अल्फा प्लस वन टाइम्स ऑफ x, ये इक्वेशन वन बन गई, और इक्वेशन टू क्या बन जाएगी बोलो, माइनस कॉमन आ जाएगा ना, माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टेन अल्फा प्लस वन अपॉन में वन माइनस टेन अल्फा ऑफ एक्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज द वाई स्क्वायर, पी एस एल निकालना है, और दिस इज द एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बताओ, ये कैंसिल हो जाएगा क्या दोनों, हाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, किसी नेगेटिव साइन का मिस्टेक हो रहा है ना, वाई प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस प्लस एम इंटू टेन अल्फा, माइनस वन प्लस माइनस टेन अल्फा वन माइनस प्लस माइनस वन इंटू टेन अल्फा, पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टेन अल्फा, तो ये सही है, यहाँ पे हमने क्या रखा, टेन अल्फा माइनस वन अपॉन वन प्लस टेन अल्फा एक्स, सही है, ये वाला सही है। दूसरा देखें, अब ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो ऊपर का नेगेटिव माइनस टेन अल्फा और नीचे का पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब माइनस टेन अल्फा, ये भी सही है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कट जा रहा है क्या पक्का, हैं सेक कैसे बन रहा है, एंगल तो किसी दूसरे डायरेक्शन से नहीं लिया गया, टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करने पे, अच्छा
स्क्वायर करेंगे ना हम लोग, तब मल्टीप्लाई होगा, है ना, स्क्वायर करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मल्टीप्लाई पे कैंसिल हो जाएंगे ना, वो पॉजिटिव पॉजिटिव कट जाएगा, ये नहीं कट रहा शायद, ये कहाँ कट रहा है, देखो नीचे से कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, वाई प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है यार आंसर, कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में ना, आई थिंक कोई मिस्टेक है। एम प्लस टेन अल्फा वन में, नहीं नहीं वो फॉर्मूला नहीं होता है अमित कुमार, है ना, फॉर्मूला तो यही होता है जो मैंने आपको बताया, ऊपर प्लस माइनस कंबाइंड करना है अपन को दोनों इक्वेशंस को, कंबाइंड करो एक बार दोनों इक्वेशन को, क्या आ रहा है, इक्वेशन तो यही आएंगे अपनी, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करें, कट रहा है वो क्या पक्का, सेम कहाँ हो रही है, ऑप्शन ए आंसर दिया देख लो एक बार, है ना, मिस्टेक है कुछ, या तो सॉल्यूशन में मिस्टेक, आंसर मिस्टेक दिया गया है क्वेश्चन में, वन माइनस अपना पहला क्या आया, वन माइनस टेन अल्फा, देखो एक बार जरा, टेन अल्फा माइनस वन अपॉन टेन अल्फा प्लस वन, है ना, और दूसरा क्या है, माइनस टाइम्स वन प्लस टेन अल्फा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा, दोनों का मल्टीप्लाई एक बार और ढंग से करके देखो, कुछ मल्टीप्लाई में तो दिक्कत नहीं हो रही है, दोनों को एक काम करते हैं, इधर लेके आते हैं साइड, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू जीरो, है ना, अब ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो एक बार ज़रा, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा क्या, जब तक सेम नहीं होगा तब तक आंसर नहीं मिलेगा ना, बाई का बाई से बाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, इन दोनों का करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा इसका भी करेंगे ना साथ में, सही है, मल्टीप्लाई करो ना इन दोनों का, तो बाई का बाई से बाई स्क्वायर, इन दोनों का आपस में करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट बाई का इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई हो जाएगा, राइट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो, इसके साथ करेंगे एक्स वाई, इसके साथ एक्स वाई करेंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा ऊपर, वन माइनस टेन अल्फा अपॉन में वन प्लस टेन अल्फा, आ तो गया, इसको क्या बोलते हैं, सेक टू अल्फा, आ तो गया ऑप्शन, ठीक है, समझ गए ना, थोड़ा मिस्टेक हम लोग किसमें कर गए थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में, भाई जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करते हो ना तो कैसे करते हैं, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना होता है, सो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करिए आप, सो वाई का वाई से वाई स्क्वायर, इन दोनों का ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, राइट, और जब बाई का इसमें करेंगे तो एक्स वाई और ये कॉमन, इसमें करेंगे तो एक्स वाई और ये कॉमन, तो टू टू टाइम्स आ जाएगा सेम, और इसको क्या बोलेंगे, वन अपॉन कॉस टू अल्फा यानी कि सेक टू अल्फा, समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है, समझ में आया सभी बच्चों को, अच्छे से एक बार रिप्लाई करें जल्दी से फटाफट, ये फॉर्मूला ध्यान रखें सभी लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी सी हो गई हम लोगों से, यहाँ पे ये आंसर आ चुका था हम लोगों का बस, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट हम लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना होता है कभी भी, दो ही क्वेश्चन को कंबाइंड करना, तो क्या करना होता है, एल वन एल टू जीरो होता है, राइट, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके जीरो करना होता है, तो ऑब्वियस है, राइट, चलो नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था, बताएं लोकस किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसका लोकस बहुत आसान है, अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं लोकस में, उस दिन भी बताया था जब कोऑर्डिनेट कराई थी, सर ये भी लग सकता है, कौन सा बेटा,
टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एम1 माइनस एम2, स्लोप निकाल के दोनों लाइन की, वो वाला थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाइए जो बताया आपको। बताएं आंसर क्या आएगा बच्चों इसका, एलिप्स कि हाइपरबोला? हाइपरबोला है नहीं है कि एलिप्स है? बोलो, देखो ध्यान से, देखो याद करो ये पॉइंट को, थोड़ा गौर से देखो ये जो पॉइंट दिए गए तुमको, ठीक है? तो याद है ना इसका मतलब क्या हो रहा है, एक पॉइंट जिसको मान लिया पी एक्स कॉमा बाय, इसका डिस्टेंस एक पॉइंट ए दे दिया गया, ए पॉइंट होगा हमारा क्या 3.1, और एक पॉइंट क्या होगा बी क्या है -3.1। तो जब भी हमने आपको बताया पी ए प्लस पी बी अगर जीरो दिया है तो स्ट्रेट लाइन होता है, या सुनो पी ए प्लस पी बी हमारा कांस्टेंट आ जाए तो एलिप्स होता है, और पी ए माइनस पी बी हमारा कोई कांस्टेंट आ जाए मॉड के साथ, जीरो ना हो बस कांस्टेंट आ जाए, कोई दूसरा कांस्टेंट नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो क्या हो जाएगा इस केस में, हाइपर बोला। तो राइट आंसर इज एलिप्स। डायरेक्ट लोकस का कंसेप्ट ध्यान रखो, अदरवाइज इसे आप सॉल्व करना पड़ जाएगा और आपकी हालत खराब हो जाएगी। राइट, सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, इसमें सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इक्वेशन पूछे तो क्या करना होता है, सिखा देता हूं कभी आ जाए, वैसे बहुत लेंदी होता है, ध्यान रखना। एक पैटर्न मैंने सिखाया था शायद क्लास में, ध्यान होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, बट ऐसे नहीं, इसको उधर भेज देना पहले, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे, इधर आ जाएगा उधर 36 और इसका स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स में आ जाएगा, सबको एक साइड लाना। फिर एक डायरेक्ट पैटर्न होता है, ए प्लस बी दिया गया, ए माइनस बी निकाल के फिर कैंसिल करके सॉल्व करते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ध्यान रखना। तो आपको ये डायरेक्ट लोकस के पॉइंट याद रखें, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तीनों लाइन कंकरेंट है तो क्या होगा, जल्दी बोलो, कंकरेंट का मतलब तीनों लाइनें सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, दैट मींस दो की क्वेश्चन निकाल के तीसरा सेटिस्फाई करा दो, या तीनों का डिटरमिनेंट बना के जीरो कर दो। सो आई थिंक बेटर क्या होगा, तीनों का डिटरमिनेंट बना के जीरो करना सबसे बेटर होगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी बेटर होगा, ठीक है? बिल्कुल डिटरमिनेंट से डरना नहीं है किसी बच्चे को, बहुत इजीली और आराम से किया करो, ज्यादा हाथ पर मारोगे डिटरमिनेंट में तो गड़बड़ कर लोगे। इक्वल टू जीरो, बहुत आसानी से इसको बनाए, चले टू लिया प्लस में कितना हो जाएगा देखो 120 132, यस और नो 132 माइनस माइनस 143 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 99 माइनस 104 114 104 ना, और प्लस में के ले लिया माइनस 33 और प्लस का जल्दी से सॉल्व करके के का वैल्यू बताएं, फाइंड द के, डू फास्ट। समझ में आया कंसेप्ट सभी को, पिछला वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना सभी को, एक बार बता दें। -13 कहां पर बेटा, -13 है क्या? अच्छा ये -13 है, सॉरी ये -13 है, देखो सेकंड में ना -13 है ये, तो कहां पे किया था मल्टीप्लाई, चेंज कर लो -13 है, ठीक है -13 था ये, यहाँ पे देखो यार ये क्वेश्चन जनरली हम लोग हमेशा गड़बड़ होता है, इधर इसका एक साइन छूट जाता है, थोड़ा छोटा कराऊंगा साइज इसका, हटा दो उसको, बन गया क्या है, क्या का वैल्यू माइनस
माइनस सेवन आया पक्का, ठीक है हटा दो इसको, एक गड़बड़ हुआ है, एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, ये क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है, इसका आंसर पेयर ऑफ स्टेट लाइन आ रहा है। देखो जनरली पीए प्लस पीबी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारा होता क्या है, एलिप्स ही होता है, बट एक्चुअली इसने जो दो पॉइंट लिए है ना उस पॉइंट में गेम हो गया पूरा, ठीक है, और हम लोग उसको समझ के लगा गए। पॉइंट इसने जो लिए हैं ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट क्या है जरा बताया कोई बच्चा, 3.1, और इधर वाला क्या है -3.1, और ये क्या है हमारा x, y, तो दोनों पॉइंट हमारे किस में आ गए, समझ गए ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा PSL ही बनेगा, ठीक। तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाली बात तो है ही, बट ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए तो आप जनरली तो इलेक्स बनना होगा कि बच्चे आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये तो क्या शॉर्ट ट्रिक्स निकाले गए छोटे छोटे, बट ड्रॉबैक भी हो सकता है अगर क्या दिया गया आपको, मान लो इलेप्स हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन दिया होता तो स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं होता, हाइपरबोला दिया होता काट देते, सर्कल होता काट देते, इलेप्स लगा देते, बट इसमें क्या फंस गया हमारा आके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं भी जल्दबाजी में सॉल्व करके आंसर देखा तो गड़बड़ है, तो फिर भाई साहब इसको कैसे निकालेंगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो स्क्वायर मारेंगे, डायरेक्ट करूँ कि समझ में आ रहा है, चलो थोड़ा कर दे तो एक स्टेप, बाई माइनस वन का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा बेटा, 6 माइनस में, चलो आज का उसमें सीख भी लोगे कि सॉल्व करते कैसे, ठीक है, सॉल्व करने का पैटर्न भी सीख लोगे आज तुम लोग। स्क्वायर करो थोड़ा फास्ट देखना, स्क्वायर करो क्या आएगा बेटा, बहुत बढ़िया, प्लस स्क्वायर टू माइनस, ऐसे होगा बेटा बोलो, माइनस इंटर करेगा तो माइनस नहीं होगा दोनों जगह, अच्छा प्लस ही तो होता है, सही बात है प्लस ही होता है ना, और इधर माइनस, ये प्लस है क्या, ये प्लस है ना बेटा, माइनस टू टाइम्स अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, इनटू सिक्स ना, ट्वेल्व कर लेता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर लाते हैं, या चलो इधर लाओ इसको, है ना, इसको इधर लाए उठा के, अब इसको उधर ले जाओ, कितना बचेगा, 36 तो है ही, इसको ओपन कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ से, एक्स स्क्वायर यहाँ से, 2x स्क्वायर ना, यस नो, 909 नहीं माइनस होगा ना, कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक एक्चुअली माइनस होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से, एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, 9 यहाँ से, 9 यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे प्लस का 6x यहाँ पे तो उधर जाएगा, प्लस का 12 राइट आई थिंक, 12 से डिवाइड कर दो, ये 3 बन जाएगा, और ये स्क्वायर कर दो फिर से, इक्वल टू कितना बचेगा, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर ना, है ना, एलिप्स तो बचा ही नहीं, बाय माइनस वन का, तो क्या हो जाएगा, दो लाइनें आ जाएंगी, कॉन्साइड लाइंस है ना, PSL कहलाएगा, कॉन्साइड लाइंस होंगी नहीं होगी, y=1, y=1, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या बनेगा, y²+1 - 2y = 0, आप इसका वोट बना लेना, डिटरमिनेंट पढ़े हो ना, समझ गए ना, तो वो क्या आ जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम यहाँ से हो गया, अगर ध्यान रखना इनमें से कोई भी दो में से एक सेम है तो PSL बन जाता है, ध्यान रख लेना आप, है ना, पॉइंट्स अगर अलग अलग है तो इलिप्स होगा, अदरवाइज PSL बन जाएगा, इस बात को आपसे ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्लियर हो गई बात, छोटी सी बात, वरना कितना गड़बड़ हो गया होता, अभी अर्थ का अनर्थ कर लोगे तुम लोग, है ना, इसलिए मैंने कहा बैक जाके बता देते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, ये हो गया क्या, इसको बनाएं, पॉइंट्स बताना है जो इस लाइन पर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से उसकी 4 है, बहुत आसान है, ये पॉइंट्स बताने जो इस लाइन पर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, तो पहली बात तो लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो देखो कौन कौन से कर रहे हैं, सारी कर रहे होंगे आई थिंक, ठीक है, समझ आ गया सभी को, क्लियर हुआ बेटा, छोटी सी गलती में दुर्घटना घट सकती थी,
तो आपको याद रहेगा आपसे जो ए और बी दो पॉइंट हैं, अगर वो दोनों पॉइंट के कोई भी एक कोऑर्डिनेट सेम हो गए तो कहानी बदल जाएगी, ठीक। या चेक करना पड़ेगा, अभी पीएसएल डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता मैं उसमें, बट कहानी बदल जाएगी तो कंफर्म है। आज आपके तीन मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे, आज इसका एक टेस्ट और आएगा। देखो बेटा, मैंने 50-50 75 क्वेश्चंस करीब क्लास में कराए, हर मॉड्यूल में 75 क्वेश्चन का टेस्ट लिया है आपका हर मॉड्यूल में, तो 150 क्वेश्चन हमने दिए हैं, प्लस हर मॉड्यूल में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं। तो आप प्रॉपर अच्छे से तैयारी करेंगे तो इनमें से ही बाहर नहीं जाएगा। जैसे जामिया में देखो, तुम लोगों ने बोला कितने सारे क्वेश्चन मिल गए सर, तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। एक काम करो, ऐसे पॉइंट तो सारे सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना, तो ऐसा पॉइंट लो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा से डाल दो इस पर परपेंडिकुलर, आई थिंक अब ज्यादा आसान है। कर लोगे नहीं कर लोगे? पॉइंट ढूंढते रहोगे तो हो गया कहानी फिर तो, है ना। सब अल्फा अल्फा है, देख रहे सब अल्फा, एक्स वाई सबका बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन से मत करो भाई साहब, डाल दो, क्या आ जाएगा बेटा? 3α 4α -12 अपॉन 5 का मॉड इज इक्वल टू 4 ना, मतलब मॉड लगा दिया आप, तो 7α -12 इज इक्वल टू मॉड के साथ 20, तो 7α -12 इज इक्वल टू ±20, तो कितना हो जाएगा ±20 + 12, तो 7α इज इक्वल टू क्या क्या आएगा बच्चों यहाँ पे दो बार 32, या फिर तो अल्फा इज इक्वल टू -8/7 या फिर 32/, तो 30 दो वैल्यू आई ना, या और ये दो वैल्यू आई ना, तो दो पॉइंट आएंगे -8/7 माइनस ए ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी सॉरी, दोनों एक पॉजिटिव है क्या? सही, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके रखिए, मिल सकता है एग्जाम में डायरेक्ट नजर आ सकते हैं क्वेश्चंस। हटा दूं? हट्टा दूं कि ना हट्टाऊं? बहुत बढ़िया, तो आप सर्कल लीजिए, सर्कल लीजिए, करे कट्स इंटरसेक्ट बाई एक्सिस लेंथ, बताओ करे बाई एक्सिस में कितनी लेंथ कट करेगा? बहुत आसान है, मतलब एकदम इजी फॉर्मूला याद है। बाई इंटरसेप्ट क्या होता है जल्दी बोलो बच्चों, बाई इंटरसेप्ट, बहुत ही बढ़िया, मार दो आंसर। 2 times √f² - c, यस नो? बाई इंटरसेप्ट क्या होता है जल्दी बोलो, 2 times √f² - c, इसीलिए लाया था कि आपको याद हो जाए। f क्या होगा, f क्या होगा? -7/2, तो 49/4, c क्या है? 12, तो 2 times √1/4, तो 2 × 1/2, आंसर 1, तो एक लेंथ कट करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्या ही कर पाएगा इस सर्कल, समझ में आ गया? ऐसा मत बोलना सर्कल नहीं आता, सर्कल नहीं आता, क्वेश्चन आ जाता छोड़ा देना, क्या ही दिक्कत है? सर्कल बहुत आसान है, पीएसएल भी आसान है, सर्कल में कैलकुलेशन आसान है, ये चलो ये बनाते हैं, ये तो और भी आसान है, क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में, ट्राई करें। एक क्वेश्चन बतानी है, सॉरी, एक क्वेश्चन ऑफ गिवन सर्कल इज दिस, लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच लाइज अलोंग लाइन दिस, बताना है मुझे, ट्राई करें।
फटाफट आंसर करें। देखिए बहुत आसान प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन ऑफ गिवन सर्कल दिया गया है, राइट। आपको एक सर्कल का जब क्वेश्चन दिया गया है, इसका मतलब इस सर्कल का आपको इस नजर आ रहा है कि ओरिजिन है, या सुनो, और रेडियस कितनी है, 6। ये बात तो क्लियर है। करें लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच अलोंग दिस लाइन, हमें कह रहा है इस लाइन के अलोंग एक कॉर्ड बतानी है। मान लो ये लाइन हमने मान ली है, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन मान ली थोड़ी देर के लिए, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये ओरिजिन है, बोलो क्लियर है। मैं एक लाइन मान लेता हूँ ये, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, कट कर रही है, बोलो। तो बोला इस लाइन के अलोंग, ये लाइन कौन सी होगी हमारी, 3x प्लस, करे इसके अलोंग इस कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, ये कॉर्ड आपसे पी क्यू पूछ रहा है, इसको वो मान लिया, इससे परपेंडिकुलर डाल सकते हो इस पर, इसका सेंटर क्या है, 0 0, तो 0 0 से परपेंडिकुलर डालो इस लाइन पे, क्या आएगा, डालो परपेंडिकुलर बेटा, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ क्या आ जाएगी, पी, इसको मैं एम मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओ एम क्या हो जाएगा, बोलो, ओ एम 3 आ गया भाई, 0 0 माइनस 15 अपॉन में 5, तो 3 आ गया, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 6, तो ये निकल आएगा। पी एम क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा अंडर रूट 36 माइनस 9, अंडर रूट 27, क्या सुनो, तो ये पी एम कहलाएगा, बट हमें क्या निकालना, पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 27, या सुनो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 डबल हो जाएगा, तो राइट आंसर इज 9, 3 बाहर निकल जाएगा, 6√9, सही है, 6√3 सही है। समझ में आया, एकदम अच्छा क्वेश्चन हुआ, क्लियर हो गया, क्वेश्चन आ जाए तो बना के जाएंगे इसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको नजर आता है तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे बेटा। क्लियर है, एक बार बता दें सभी लोग, चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन ट्राई करें। लेंथ ऑफ द कॉर्ड सेम है क्या, हो जाएगा आई थिंक, ये तो वही वाला है सेम, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, कुछ भी सेम है क्या, 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेम ही तो है, नहीं अलग हो गया है, तो 49/4 माइनस 2, 2 अंडर रूट, नहीं हो जाएगा इसका आंसर, 41/2 है ना, √41 आएगा, नन ऑफ दिस, समझ गए। सो राइट आंसर इज √41, क्या कहते हो सभी लोग, आंसर करें एक बार, √41 है। बोले सभी लोग √41 है, यस ऑर नो, टी विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोले ये सर्कल है, दो दिए गए, विल टच एंड ईच एंड अदर एक्सटर्नली, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, क्या आंसर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन निमसेट 2018 में पूछा गया है, जब तक मुझे लग रहा है, ऐसी जैसा है जटेज है या फिर यही है, तो इसका रिजल्ट याद करेंगे आप डायरेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो रिजल्ट कैसे याद करेंगे, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट भी सिखा देता हूँ। दो सर्कल जब बेटा एक्सटर्नली टच करते हैं तो आप जानते हो उनकी रेडियस का जो सम होता है, दैट मीन्स उनके रेडियस का जो सम होता है बेटा, वो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है। C1 C2 किसके बराबर हो जाता है, तो अगर मैं इसका सेंटर देखूं अभी राइट नाउ, तो इसको इधर लाना पड़ेगा उठा के, तो -2a हो जाएगा, दैट मीन्स a,0, यस और नो, और सेंटर रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस बताओ क्या हो जाएगी, अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अरे भाई इसको इधर उठा के लाओ, तो जी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, जी क्या हो जाएगा माइनस टू ए हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, राइट, क्लियर है ना। इधर आ जाओ तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, जीरो कॉमा बी, और रेडियस क्या हो जाएगी, जीरो नहीं यहाँ पे सी स्क्वायर दिया तो है, और रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट। तो ये हमारा सी टू है और ये हमारा आर टू है, ये हमारा सी वन है और ये हमारा आर वन है, क्लियर है। सी वन सी टू क्या हो जाएगा अगर देखें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आर वन क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट, यहां तक क्लियर है, बोले क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, क्या करना चाहिए हम लोगों को, स्क्वायर डिवाइड कर दो, स्क्वायर से नहीं होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर कर दो, चलो बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी ना, राइट बेटा, नहीं स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टू सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए सी प्लस टू बी सी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, सही है आई थिंक, बोलो बोलो। कौन सा, अच्छा वो नहीं लिखा, अच्छा वो नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, एक और टर्म है क्या, टू अंडर रूट में, क्या अच्छा टू ए सी लिख दिया मैंने, ये नहीं आएगा ना, समझ गया ओके, ठीक है सीधा सीधा स्क्वायर खोलेगा ना, समझ गया मैं अंदर का खोल दिया, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी, हाँ माइनस सी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस में टू टाइम्स रूट में, अब ठीक है ना, क्या क्या कट जाएगा बेटा, तो टू सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो टू सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू टाइम्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, अब हम लोग टू से टू काट के फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो सी की पावर फोर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो सी की पावर फोर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस में सी की पावर फोर, ही कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो वन अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन, मैंने बोला स्टार पहले ही लगा दिया, डायरेक्ट याद करके रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, कंसेप्ट क्या लगानी है आपको वो मैंने आपको सिखा दी है, ठीक, सॉल्यूशन का मेथड ये रहेगा, और आपको कंसेप्ट पे इससे बेटर है कि आप इसको याद भी रखें, ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, समझ गए बच्चों, यहां तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो एक बार, ठीक है क्लियर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, बोला गया है सेंट्रिसिटीज ऑफ दीज टू आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो बी स्क्वायर क्या होगा, शायद याद होगा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी उस दिन, जब दो एक एलिप्स होता है एक हाइपरबोला होता है और दोनों की सेंट्रिसिटीज, नहीं उसमें फोकस का था, वो फोकस का था, चलो सेंट्रिसिटीज किया गया है इक्वल, चलो बनाए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेंट्रिसिटीज इक्वल किया गया है, सॉल्व करें जल्दी से, एलिप्स की सेंट्रिसिटी निकालें और फिर हाइपरबोला की भी निकालें, रेसिप्रोकल दिया गया है ना, देखें कैसे दिया गया है, अगर एलिप्स की सेंट्रिसिटी देखें तो क्या आ जाएगी बच्चों, एलिप्स की सेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी फॉर एलिप्स
बताओ बच्चों, एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी मान लेते हैं इवन, इसका एसेंट्रिसिटी इवन मान लेते हैं, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या मान लेते हैं? ई टू। तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा? अंडर रूट वन, बीच में प्लस आता है, बीच में माइनस आता है एलिप्स में, माइनस बी स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा उल्टा, जो छोटा है वो ऊपर जाएगा, 3/4, तो क्या हो जाएगा 1/2। एलिप्स की क्या आ गई? 1/2। ये बात समझ में आ गई? वन से छोटी होती है एलिप्स की। हाइपरबोला की बताएं क्या होती है? ठीक है, कोई बात नहीं, तो बलट देंगे बाद में। हाइपरबोला की क्या होगी? हाइपरबोला क्या हो जाएगी बच्चों? अंडर रूट, जल्दी बोले, अंडर रूट वन प्लस बी स्क्वायर बाई 64, राइट? यस सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला है? एसेंट्रिसिटी एलिप्स की जो है वो इसके रेसिप्रोकल या इसकी, इसकी रेसिप्रोकल कर दो, दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं। बोलो तो क्या हो जाएगा? 64 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 8 बाहर निकलेगा अंडर रूट में ना, इक्वल टू 8 जा स्क्वायर कर दो, 64 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 256, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 190। तो बी का वैल्यू बी स्क्वायर ही पूछा है, खत्म हो गया, ऑप्शन है। बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक है, एकदम आसान है, बट आसानी से बना सकते हैं आप लोग इसको। क्लियर है? एक बार बताते जाएं जल्दी से, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 पूरा कैलकुलस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो कैलकुलस आपका रिवाइज भी हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि 3 क्लासेस मॉड्यूल 4 पे लेके जानी है, तो 90 क्वेश्चंस करीब हम लोग लेके जाएंगे, 80-90 क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ प्लस हम लोग उसमें 2 टेस्ट भी करेंगे 150 क्वेश्चंस के। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कैलकुलस के मिलेंगे करने के लिए, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में फंसाएंगे उसको, है ना? आंसर मारे जल्दी से सभी लोग। एलिप्स है इंस्क्राइब्ड इन द एनोदर एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट 4,0 देन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें सभी लोग। करें जल्दी, बनाया। देखें, पहली बात तो आपको सबसे पहले समझ में ये आना चाहिए कि एक एलिप्स है जो किसी रेक्टेंगल के अंदर है, और वो रेक्टेंगल एक दूसरे एलिप्स के अंदर है, राइट? यस और नो? इसको अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, एक एलिप्स हमारा किसी, सॉरी, अबे यार, रेक्टेंगल बनाना था क्या? अबे छोड़ो, पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं ना। ये रेक्टेंगल बना लिया, इसके अंदर क्या है? एक एलिप्स है, राइट? पकड़ खींचना पड़ेगा ना, ऐसे बनाने में बड़ा दिक्कत है भाई,
बड़ी मेहनत है भाई, चलो छोड़ो, हाथ इसका बढ़िया है, इलिप्स है, रेक्टेंगल के अंदर है ना, तो ऐसे भी जाएगा, यहाँ पे भी टच होगा एक बार, यहाँ पे भी एक बार टच होगा, राइट, अभी ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक ये जो रेक्टेंगल है वो किसी दूसरे एलिप्स के अंदर, राइट, और ये एलिप्स किससे पास हो रहा है, अब समझ में आया थोड़ा बहुत कहानी। तो पहले तो ऑप्शन देखो, 4.0 से कौन कौन से पास हो रहे हैं, ए हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, फोर रखने पे 16 4 48 होता है, वो तो रहा है 64 होता है, सॉरी नहीं हो रहा है, ये तो दो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, दो ऑप्शन कैंसिल कर लिए आपने, क्योंकि ये लिप्स, इस लिप्स की क्वेश्चन पूछी है, आप मुझे बताएं ये पॉइंट क्या होगा, इस लिप्स को लिखें जरा एक बार, शांत रहे, अंदर वाला लिप्स क्या है बच्चों, तो ये पॉइंट क्या होगा 2.0, ये पॉइंट क्या होगा -2.0, ये पॉइंट क्या होगा, मान लो एक्सेस किस देता हूँ मैं, क्या होगा 0.1, और ये पॉइंट क्या होगा 0.-1, तो पता है पॉइंट्स, तो ये पॉइंट बता पाएगा कोई बच्चा क्या होगा, जल्दी बोलो भाई, जस्ट मिड पॉइंट होगा, तो ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कंफर्म क्या हो जाएगा बोलो, 2.1 ना, 2.1 हो गया ना, ये पॉइंट क्या हो गया 2, ये पॉइंट क्या हो गया -2.1, और ये पॉइंट, इतने पॉइंट मिल गए, पास करा लो, 2.1 रख दो, इसमें क्या आ जाएगा आंसर, देखो सर्टिफाई हो रहा है 2.1 पे, 2 रखो बेटा 4, और 1 रखो, और ये वाला खत्म हो गया ऑप्शन ए, समझ में आया क्वेश्चन, आसान था, नोट कर ले, सब्सक्राइब बेस बना लिया है, अब सब लिया, अब सब फ्री क्लास यूट्यूब में नहीं करते हैं, ओके, पेड कोर्स करते हैं, अब स्टूडेंट्स जो मिल गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला तुम अच्छा बोला, अच्छा बोला, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत समझदार हो तुम, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट रेक्स ऑफ द पैराबोला, अच्छा क्या पूछा, कार्टेशियन इक्वेशन, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स की कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए और पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के बारे में बताया मैंने आपको, आपको कुछ भी करके टी को क्या करना होगा, गायब करना होगा, तो आप क्या करें, टी का वैल्यू उठा के वहां रख दें, तो यहां से टी क्या आएगा, कोई बच्चा बताएगा, एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ टी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/2, इसमें पुट कर दो उठा के, क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई प्लस 2, तो वाई माइनस 2, बोलो बच्चों 4 भी हो जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, ये क्वेश्चन समझ में आ गई, हमसे क्या पूछी, डायरेक्ट्रिक्स जानते हैं पैराबोला का नेचर कैसा होगा, कितना बनेगा, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए वाई ऊपर बनेगा ऐसे, तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स आती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाती है, याद है ना, वाई इक्वल टू, अगर इसको कैपिटल वाई मान ले, ऐसा बन जाएगा बच्चों बोलो, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, वाई इक्वल टू माइनस ए ना बेटा, बोलो माइनस ए, चलो तो वाई क्या हो जाएगा हमारा, वाई माइनस टू, वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस टू, नीचे होगी तो माइनस ए आएगा, ए क्या होगा जल्दी बोलो, 1, यस और नो, सो वाई इक्वल टू, ओ नीचे है माइनस 1, सॉरी तो माइनस 1 होगा ना ब्रो, माइनस 1 होगा ना, तो माइनस 1 प्लस 2, तो वाई इक्वल टू, समझ आया, क्लियर हुआ, कुछ भी कर सकते थे इसका,
चलो बच्चों क्लियर है, समझ रहे हो? उसको ये क्लास थोड़ी नजर आ रही है, उसको लग रहा है ये तो कुछ और चल रहा है। चलो इसको बनाएंगे, चलो बच्चों है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, छपे मिलेंगे अभी निमसेट एग्जाम में, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। चलो करो, ठीक है, बाहर निकलोगे तो बड़ा दुख होता है कि अरे ये तो सब कराया था। एक्स माइनस वन डायरेक्ट्रिक्स है बेटा इसकी, तो एक वर्टेक्स बताओ के की वैल्यू क्या होगी, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर दे। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ बेटा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बनाना यार, के एक्स माइनस एट ना, के एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है वाई स्क्वायर इक्वल टू के कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस एट बाई के। अब आप इसको हम लोग ध्यान से देखें तो कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स कैपिटल एक्स, मान लें पढ़ाया मैंने कंसेप्ट, ऐसा मान लेते हैं। तो कौन सा टेंड्स कर रहा है, ये वाला पैराबोला हो रहा है, बोलो बच्चों। तो ये होती है इसकी क्या डायरेक्ट्रिक्स, या सुनो तो डायरेक्ट्रिक्स क्या कहलाती है, कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगी, ए बनेगी ना बेटा, तो कैपिटल एक्स का मतलब माइनस है, सॉरी कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस है ना, तो कैपिटल एक्स की जगह पे एक्स माइनस एट वाई के, राइट, माइनस लगा देंगे ए की जगह पे, कोई बच्चा बताएगा, के वाई फोर होगा आई थिंक, के वाई फोर। सो बच्चों एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट बाई के माइनस के वाई फोर, सो दिस इज इक्वल टू वन, दिस इज इक्वल टू वन, सो एट बाई के माइनस के वाई फोर इज इक्वल टू वन। इट्स योर चॉइस कि हम इसे सॉल्व करें ऑप्शन से करें, ऑप्शन से करेंगे तो एट सोलह, एट रख देते हैं, वन टू फोर रख देते हैं, टू वन फोर, फोर हो जाएगा सेटिस्फाई, देखो फोर रखोगे टू माइनस वन वन, समझ आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें ध्यान से करें, आंसर्स मिलेंगे आपको। क्या हो गया बेटा, कौन पूछ रहा है सर, मिक्सचर रिलेशन का भले समझ नहीं आ रहे, क्या करूं प्लीज, मिक्सचर रिलेशन करा दिया, नहीं कराया सर मैंने, हो गया बच्चा है, थोड़ा ढंग से पढ़ो बेटा, वो अच्छा है, आरबीसी में हो तो मैंने वीडियो डाले अभी एक दिन के लिए, आप ज्वाइन करके देख सकते हो। बनाएंगे बच्चों इस इलिप्स की एक्सेस बताएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, एलिप्स की एक्सिस बतानी है, तो जानते हो एक्सिस कहाँ से होती है, जब ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है ना, तो वही एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बन जाते हैं ना डायरेक्ट, जो वर्टेक्स के साथ आते हैं, तो आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बस हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे इन दोनों भाई साहब को क्या चाहिए, या थ्री कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा, और इन दोनों भाई साहब को क्या चाहिए, फोर कॉमन ले लो, बाई स्क्वायर माइनस टू बाई माइनस फाइव स्क्वायर जो रही है ना, इन दोनों भाई साहब को बन दे दिया, चल जाएगा काम इनका, इनको क्या चाहिए, इनको भी बन चाहिए, तो एक्चुअली इनको बन नहीं दिया, हमने थ्री दिया, यहाँ फोर दिया, तो सेवन हटा देंगे, तो ये बन जाएगा थ्री टाइम्स एक्स प्लस वन का, और ये बन जाएगा प्लस में फोर टाइम्स बाई माइनस वन का, इक्वल टू ट्वेल्व हो जाएगा ना, ट्वेल्व को इधर भेज दे तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाई बाई माइनस वन का होल स्क्वायर वाई इक्वल टू, तो जरा कोई बच्चा बताएगा क्या है, ऑप्शन डी, दिस इज द एक्सेस, यही तो एक्सेस बन जाते हैं हमारे, इक्वेशन ऑफ एक्सेस, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हाँ छोड़ दो, सही बात है, जरूरी थोड़ी मैं एलिगेशन में चली कर जाएंगे, हजार नंबर का पेपर किसको ही बनाना होता है यार, छोड़ दो ना कुछ चीजें, वाह 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 वाह, एक ही क्वेश्चन आता छोड़ दो, ये समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बोले। ठीक है तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, तो समझ में आया होगा आपको कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस, सर्कल के क्वेश्चंस, लाइन के क्वेश्चंस, वेक्टर के क्वेश्चंस, तीनों क्लासेस हुई हैं, तीनों क्लासेस के प्रॉपर आप क्वेश्चंस निकालिए, उनको सॉल्व करिए, लास्ट मोमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, कम क्वेश्चंस हैं, पैटर्न सेम है, आप ढंग से उनको करें, हर तरीके के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल फोर, मॉड्यूल फोर में हम लोग कंप्लीट कैलकुलस पढ़ेंगे, और मॉड्यूल फाइव में क्या क्या रहेगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स एंड बाइनोमियल थ्योरम, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये हमारे 5 टॉपिक्स रहेंगे मॉड्यूल 5 में, जो कि 3 क्लासेस होगी हमारी, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों कल हम लोग लेके आ रहे हैं 12 बजे दोपहर में स्टार्ट करेंगे वन शॉट क्लास, किसका, इंटीग्रल कैलकुलस का, जो निमसेट में आए हुए हैं, ठीक है। कल कौन सा दिन है, फ्राइडे, थर्सडे, कल थर्सडे, ठीक है। और फ्राइडे को मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ क्या, वन शॉट क्लास कोऑर्डिनेट की, ठीक है, फ्राइडे हो जाएगा, जिसमें पूरे एमसेट भी वाईक्यू करेंगे। सैटरडे को हम आपकी पूरी ट्वेल्थ क्लास की वन शॉट क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है। संडे को हम आपके लिए कंप्यूटर का वन शॉट लेके आ रहे हैं, और संडे को हम आपसे ले लेंगे विदा, क्योंकि लगभग में वन शॉट टाइप की चीज़ खत्म हो जाएगी, और हमारी कोशिश है संडे तक हम आपके आरएससी भी करा दें, ठीक है, ताकि फिर आप अच्छे से पढ़ाई करें, समझ गए, अच्छे से पढ़ाई करें और अपना सिलेक्शन बदलें। सर मॉड्यूल 5 कब तक खत्म हो जाएगा? मेरी कोशिश है कि मंडे तक 31 तक हम लोग खत्म कर लेंगे, 30 या 31 तक। थोड़ी हम लोग इसकी क्लासेस बढ़ाएंगे डेट, जैसे आरबीसी की क्लास हमारी एक चल रही है, तो इसको हम 2 करने का प्लान है हमारा, ठीक है। जैसे मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 की जो क्लासेस हैं हमारी, 6 क्लासेस हैं, हम लोग कोशिश करेंगे 31 तक कर लें। तो पहले हमारे पास जो सिस्टमेटिक और चीज़ें बची हुई हैं, एक हमारा कंप्यूटर का वन शॉट बचा हुआ है, जैसे पूरा PYQ खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म करेंगे एक साथ, ठीक है। वो हमारे ऐप पे होगा, मैंने बताया था पहले ही, 6 घंटे का क्लास वो ऐप पे होने वाला है, और 12 घंटे का क्लास किसमें होने वाला है हमारा, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे सैटरडे को 12th मैथ्स करेंगे, संडे को हम लोग वन शॉट करेंगे ऐप में 6 घंटे की, फ्राइडे को हम लोग वन शॉट करेंगे यूट्यूब पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कल करेंगे यूट्यूब पे इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। सब करा दिया है लगभग में, बस आप अच्छे से पढ़ के आएँ, और अगर आपने ऑनेस्टी से एक्मे अकेडमी का साथ दिया है, एक्मे अकेडमी ने आपका साथ दिया है, पढ़ाई आपने की है, तो बिल्कुल आप एक अच्छा रैंक लें, ये हमारा बस कामना है, ठीक है। और फिर रैंक आके आप रैंक बताएं, और आप बिल्कुल हमारी तरफ से मिठाई खाने, हमसे मिलने ज़रूर आएँ, आपको एक अच्छी सी मिठाई भी खिलाई जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐप पे ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और कोई भी कोर्स परचेज कर लेना है आपका, कोई भी। तो अब किसी बच्चे को लग रहा होगा सर कोर्स तो बहुत महंगे होंगे, तो 11 रुपये से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 11 रुपये वाला निमसेट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उसको ज्वाइन कर लेना, कोई भी एक कोर्स में इनरोल कर लोगे आपको मिल जाएगा, राइट, एनी वन कोर्स।